नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, भारत अपनी रक्षा पंक्ति को बहुत ही सुदृढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, भारत या सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को दिन पर दिन बहुत ही सुदृढ़ बनाने में जी जान से लगे हुए हैं। इस वीडियो में DRDO द्वारा क्रूज मिसाइल के टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। भारत द्वारा पहली बार परीक्षण की गई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के बारे में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मंगलवार को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में आयोजित प्रथम परीक्षण एवं मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से किया गया और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि मिसाइल ने योजना के अनुसार कार्य किया और सभी प्राथमिक मिशन लक्ष्यों को पूरा किया। परीक्षण के दौरान LRLCM पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और इसके उड़ान पथ पर लगाए गए टेलीमेट्री उपकरणों सहित सेंसर की एक सरणी का उपयोग करके बारीकी से निगरानी की गई। मिसाइल ने स्टिक वे पॉइंट नेविगेशन का प्रदर्शन किया और अलग अलग ऊंचाइयों और गति पर जटिल युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें आधुनिक सैन्य शास्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सामरिक लक्ष्यों पर लंबी दूरी से हमला करने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि मिसाइल को लक्ष्य से काफ़ी दूर से प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे प्रक्षेपण मंच और इसे संचालित करने वाले कार्मिक सुरक्षित रूप से खतरे से दूर रह सकते हैं। ये मिसाइलें आमतौर पर सबसोनिक होती हैं और भूभाग के सटे उड़ान पथों का अनुसरण कर सकती हैं, जिससे उनका पता लगाना और अवरोधन करना कठिन हो जाता है, जिससे दुश्मन की सुरक्षा को भेदने में रणनीतिक लाभ मिलता है। LRCM के अन्य उदाहरणों में अमेरिकी टॉमहॉक और रूस के कैलिबर शामिल हैं, जो स्टिक लंबी दूरी के हमलों में उपयोग के लिए जानी जाती हैं। बंगलोर में DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE द्वारा विकसित LRLCM पूरी तरह से स्वदेशी परियोजना है। मिसाइल के कुछ सेंसर और एक्सेलेरेटोमीटर को छोड़कर बाकी सभी घटक स्थानीय स्तर पर ही खरीदे गए हैं। हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL और बेंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने मिसाइल के एकीकरण और तैनाती में योगदान देते हुए विकास सह उत्पादन भागीदार के रूप में सहयोग किया है। जमीन पर आधारित और नौसेना में तैनाती दोनों के लिए डिजाइन किया गया LRCM को यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल UVLM का उपयोग करके मोबाइल ग्राउंड प्लेटफार्म और जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। यह सिस्टम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा पेटेंट किया गया है और पहले से ही 30 भारतीय नौसेना के जहाजों पर चालू है। यह मिसाइल रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत मिसाइल मोड परियोजना है, जो आवश्यकता की स्वीकृति AON के तहत है, जो इसके सामरिक महत्व पर जोर देती है। 1000 किलोमीटर से अधिक की योजनाबद्ध सीमा के साथ यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों विशेष रूप से नौसेना को अपनी समुद्री स्कीमी अक्षमताओं के साथ महत्वपूर्ण ताकत देगी। मिसाइल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगभग 20 अतिरिक्त परीक्षण उड़ानों की योजना बनाई गई है, जिसमें
स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के माध्यम से टर्मिनल होमिंग भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार DRDO द्वारा मिसाइल का परीक्षण पूरा कर लिया जाने के बाद भारतीय नौसेना 5,000 करोड़ रुपये मूल्य के 200 LRLCM का ऑर्डर दे सकती है। LRLCM एक रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित AON द्वारा स्वीकृत मिशन मोड परियोजना है, जिसकी सेवा में प्रवेश के लिए एक निर्धारित समय सीमा है। इसके साथ ये परीक्षण का वीडियो भी देखिए। You can see the testing of cruise missile by DRDO in Chandipur, Odisha. Test was very successful and it has added a great strength to the Indian Defense Forces. Under Prime Minister Modi, India's Defense Forces are increasing their strength day by day, and because India must have strong Defense Forces as India is surrounded by enemies like Pakistan, China, and even other small neighboring countries have become hostile day by day due to the interference of foreign forces inimical to India. So India must have very, very strong defense force to defend her borders. इस वीडियो में आप DRDO द्वारा क्रूज मिसाइल का टेस्ट फ्लाइट देख रहे हैं। ये चांदीपुर में उन्होंने टेस्ट किया है, जो उड़ीसा में है। इसे भारतीय जो सुरक्षा सेनाएं हैं वो मजबूत होंगी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जोर दे रहे हैं कि भारत हर हालत में मजबूत रहे, क्योंकि इंडिया के चारों तरफ दुश्मन देश बैठे हुए हैं। चाइना, पाकिस्तान, वो कभी भी भारत को जो है बॉर्डरों पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनको रोकने के लिए इंडिया के डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होने चाहिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।